हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडिया अंसारी बॉय। यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। सो गाइस, आज है सातवीं मुहर्रम का सातवीं, और आज हम लोग जा रहे हैं इमामबाड़ा। और इमामबाड़ा में मातम किस तरह से होता है आप लोगों को दिखाएंगे। पिछले साल भी गए थे हम लोग, लेकिन सो फाइनली हम लोग आ चुके हैं इमामबाड़ा। और यहाँ का लोकेशन देखो गाइस, ये है इमामबाड़ा। और अभी देख सकते हैं सब कोई इंतज़ार कर रहे हैं मातम होने का। और अभी काफ़ी धूप है और हम इधर बैठे हुए हैं। इमामबाड़ा का ये गेट काफ़ी खूबसूरत लगता है दूर से देखने में। और अंदर का ये लोकेशन आप लोग देख सकते हैं। और अभी हम लोग चलेंगे बाहर, और यहाँ पे देख सकते हैं बाहर जाने का गेट पूरा हमेशा की तरह इस साल भी जाम लगा हुआ है। और यहाँ भी देख सकते हैं उधर से भी लोग आ रहा है, इधर से भी जा रहा है, लेकिन पूरा जाम। यहाँ पे पार होने के लिए आपको बहुत सब परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और ये देखिए हथियार भी लेके आए हैं भाई इमामबाड़ा में। और गाइस देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहता है, और यहाँ पे पुलिस भी है, लेकिन अकेला क्या करेगा बेचारा। सब कोई अपना मन मुताबिक करते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे। चलो रे भाई, चलो आगे चलो। अरे भाई चलो आगे बढ़ो। अरे यार इसमें तो पछता कर देगा बच्चा लोग। अरे 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 आस्ते आस्ते। अरे आप जाइए से। अरे हालत खराब कर दिया यार। और यहाँ पे देखो गाइस बाहर से किस तरह से जाम, इधर से भी आप लोग देख सकते हैं कितना भीड़, और उधर से भी भीड़, इसीलिए ये गेट जाम हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा परेशानी उठाना पड़ता है हमाम को। और यहाँ पे देख सकते हैं ये बाहर का, आप लोग देख सकते हैं बाहर का सीन है। और यहाँ पे आप लोग ढेर सारा दुकान भी लगा हुआ है खाने पीने का, यहाँ पे ढेर सारा इंजॉय कर सकते हैं खाने पीने का भी। यहाँ पे सब चीज़ मिल जाएगा, आप लोग मुहर्रम के टाइम में आ रहे हैं तो यहाँ पे खूब सारा इंजॉय कीजिए। सब खाने पीने का सामान भी है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे एक छोटा छोटा बोट मिलता है, आप लोग दरिया में भी घूम सकते हैं पानी के अंदर में जाके। आप लोग 10-20 रुपया लेगा, ज़्यादा पैसा लेगा नहीं, आप लोग इंजॉय कर सकते हैं खूब सारा। और देख सकते हैं गाइस ये है हम है। और देखो बाल मेरा ख़राब हो गया, बाल ठीक कर रहे हैं। और आज का मेरा ये लुक आप लोग कमेंट से बताएं कैसा लग रहा है। और गाइस ये है इमामबाड़ा का अंदर का लोकेशन, आप लोग देख सकते हैं ये इमामबाड़ा का अंदर का है। और आप लोग ऐसे दिन में आएंगे तो इमामबाड़ा का गेट जो है बंद रहता है, लेकिन अभी मुहर्रम का टाइम चल रहा है तो इसके वजह से अभी गेट जो है खुला हुआ है। और छोटा छोटा ये सब झूमर देख सकते हैं, ये पहले का जब खूबसूरती अगर देखना है तो अंदर से देखो। ये जो छोटा छोटा झूमर जो लगा हुआ है ये पहले का है, और आप लोग को देखने को मिलेगा यूनिक यूनिक चीज़ अंदर में, क्योंकि ये गेट जो है आप लोग को मुहर्रम के टाइम में बंद खुला मिलेगा। तो आप लोग मुहर्रम के टाइम में अगर आप लोग आ रहे हट जा।
ये देखो हम लोग का यहाँ का हुगली ब्रिज, और यहाँ से देखिए कितना ऊपर चढ़ने का रास्ता है। और हम जो है इसमें आज चढ़ेंगे, क्योंकि बहुत दिन का सपना था मेरा कि इसमें चढ़ने का, और आज फाइनली गेट जो है खुला हुआ है, क्योंकि ये गेट जो है ना बंद रहता है। देखिए वो चढ़ गया, ले ले ऊपर से बना, देखिए ऊपर से आ रही, और ऊपर से हम आप लोगों को दिखाने की कोशिश करेंगे। फुल एंजॉय, फुल एंजॉय। गिराना गाइस, ये हमारा नेता लोग बोल ले, पीछे से आगे आगे जाओ, वहाँ कुछ आदमी नीचे से भी जा रहे हैं दोस्त। ये हमारा शमीम भाई, अबे चढ़ जाओ, तू तो फोन है अच्छा से नहीं पकड़ा। हाय दोस्त, देखिए कुछ लोग आ रहे हैं नीचे से, और हमारे शमीम भाई यूट्यूबर दोनों हाथ पकड़ के साथ चल रहे, और हम दौड़ रहे हैं। ना ना वो कूदने का जरूरत नहीं, क्या अपने चल पाते भाई, नीचे रिटर्न से जा, क्या उन्हें ना उतरे दो था जी, आदमी का वो पट्टी कभी भी कुछ हो सकता है। देखिए गाइस, हमारा हुगली ब्रिज, कुछ लोग भी है, और